नीरज जी, कल जिस तरीके से अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि जाम दो प्रकार का होता है। बीजेपी का मतलब जाम का होता है जनधन खाता, आधार और मोबाइल, और बिहार सरकार के लिए होता है जाम का मतलब जातिवाद, परिवारवाद, अपराध, अल्पसंख्यक और तुष्टिकरण। कैसे देखते हैं? देखिए, देश के सहकारिता मंत्री, चूंकि गृह मंत्री के रूप में, अब तक नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा 2021 के बाद नहीं जारी किया जाना इनकी अयोग्यता का सबसे बड़ा पैमाना है। और उसी मैदान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पताही में एयरपोर्ट बनेगा, 60 वर्ष से ज्यादा के किसान और व्यापारियों को पेंशन दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ बताते नहीं है। अरे, जो कहा उस मैदान में, चूंकि आप प्रधानमंत्री के केयर टेकर हैं, आपका काम यही है, केयर टेकर के रूप में है, तो केयर टेकर अपनी भूमिका तो अदा करे। दूसरे मुद्दे पर भटका रहे हैं। मूल मुद्दा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ अब तक? 5 साल हो गए, पताही का एयरपोर्ट कहाँ है? 60 वर्ष से ज्यादा के किसान और व्यापारियों को आपने पेंशन देने की बात कही थी, तो अब तक उपलब्धि के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा की स्थिति पैदा कर दिया है। और भाषाई रूप से विकृत मत होइए, नहीं तो ये बिहार है, इतने जलील होइएगा तो पुस्त दर पुस्त आपका खोज के निकाल लिया जाएगा। कम से कम भाषा को नियंत्रित कीजिए। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक शब्द अगर बोलिएगा तो आपसे जहरीला बोलने के लिए बिहार में आता है लोगों को। उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, दूसरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं उन दोनों से कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार पीएम पद की बात तो भूल जाए, उन्होंने इंडिया गठबंधन का संयोजक भी नहीं बनाया है और ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं। अमित शाह जी, लज्जा नहीं लगता है? आपका बेटा कभी क्रिकेट खेला था? तो कैसे हो गया आपका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी? ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? उदाहरण दे, अनुराग ठाकुर किसके हैं? पंकज सिंह किसके हैं? दर्जनों नहीं सैकड़ों उदाहरण भाजपा के अंदर है। इसलिए भाषा को संयमित करिए। और आपका बेटा अगर क्रिकेट खेला है तो बताइए कि रणजी खेला है, कहाँ खेला है, मैं कौन टेस्ट मैच खेला है, कैसे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन हो गया? कौन सा योग्यता थी? कोई बगैर योग्यता के पैरवी पुत्र के बदौलत, चूंकि वो अमित शाह का बेटा है इसलिए वो जैसा, इसलिए वो बन जाएंगे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी। तब परिवारवाद में रुपया आवे तो बड़ा अच्छा। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को धर्म कथा कहने के लिए नहीं बने हैं सेक्रेटरी। अच्छा, ये बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनके घर के बाहर पोस्टर लगाया गया है और उन्हें बिहार का भावी वित्त मंत्री बताया। वही तो, कोई भी किसी के बारे में लगा सकता है ना, उसमें क्या परेशानी है? ये तो कोई भी शुभचिंतक है, अब हमारे ही घर के बाहर में लगा दे कि एमपी हो गई, तो इसमें कौन दिक्कत है? लगाते रहो जिसको लगाना है। तेजस्वी यादव ने बार बार स्पष्ट किया है।